मेरे इंदौर के प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, इंदौर दुनिया का अद्भुत शहर है, आपके और मेरे सपनों का शहर। आपकी जागरूकता के कारण इंदौर तीन तीन बार स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर आया है। आज हमारा प्यारा शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, कोरोना को हमें हर हालत में हराना है, और हराने का एकमात्र उपाय है, कृपया करके आप अपने घरों में रहिए। टोटल लॉकडाउन, संपर्क की चैन को तोड़ दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई गई लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह से पालन कीजिए। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रशासन घरों में करने का प्रयास कर रहा है, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शहर के लिए। क्या आप कुछ दिन एकांत में रह नहीं सकते? मैं जानता हूं आप उत्सव प्रेमी हैं, लेकिन इस समय का तकाजा है हम घरों में रहें। डरे बिल्कुल नहीं, कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब यह नहीं है कि कोई ठीक नहीं होगा। देश में और हमारे प्रदेश में भी जबलपुर में सारे पेशेंट ठीक हो गए, ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था ठीक हो गया, इसे डरने की जरूरत नहीं है। दिनों रात हम सब लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, हमारे पुलिस के जवान अधिकारी, नगर निगम के हमारे सभी कर्मचारी, सफाई कर्मी सहित रेवेन्यू का अमला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा उषा कार्यकर्ता है, सब मिलकर तो लड़ रहे हैं, समाज सेवी। बस मेरी प्रार्थना यही है, हम शक्ति करेंगे, टोटल लॉकडाउन, घर में रहें, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके संपर्कित लोगों को, उनके परिजनों को क्वारंटाइन में ले जाएंगे, लड़ाई जीतेंगे, कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। बस आप अपने घरों में रहें, प्रशासन को पूरा सहयोग करें। समस्या बड़ी है, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा है। मैं माफी मांग रहा हूं, पहले ही हम शक्ति करेंगे आपके लिए, इंदौर के लिए। कृपया करके पूरा सहयोग कीजिए, और कोई कष्ट हो तो माफ कीजिए। आइए मिलकर कोरोना को हराएं, इंदौर जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।